हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, अगर हम बात करें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए 10th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स की, लगातार ही वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से लगातार ही जो सस्पेंस है वो बना जा रहा है कि कब तक जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा। हालांकि जो 12th बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर करने की तारीख उन्होंने बताई थी वो 24th जून बताई थी, लेकिन उस दिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। तो अब किस दिन जो है वो रिजल्ट आ सकता है, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर जिक्र करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, अगर अब तक आपने हमारे चैनल जीडी टेकी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें, 24th और 29th जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर होने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से, लेकिन अब जो नई डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ओर से। अगर हम बात करें 10th बोर्ड के रिजल्ट की, तो अब ये खबर निकल के आ रही है कि 28 जून को 10th बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 2 रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें 12th बोर्ड की, तो उनका जो रिजल्ट है वो 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा टर्म 2 का। अब ये जो खबर निकल के आ रही है, सोर्सेस के हवाले से निकल के आ रही है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है इन तारीख को अपना जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर सकता है। अब देखना यही होगा कि 24th जून को जो पहले उन्होंने बताया था उस दिन तो डिक्लेयर नहीं हो पाया, तो अब क्या 28 और 30 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएंगे? सो जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल के आएगी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।